नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में महंगाई की मार वैसे ही है, ऐसे में अगर आपको रोजमर्रा की चीजों पर भी महंगाई की मार झेलना पड़े तो आपके बजट का अनबैलेंस होना तय है। जैसा एक आम आदमी के जीवन का अहम हिस्सा रोटी कपड़ा और मकान है, ऐसे में बिजली की भूमिका भी हमारी जिंदगी में बहुत अहम मानी जाती है और अब तो बिजली गांव-गांव तक पहुंच गई है। ऐसे में बिजली के बिना रहना बिल्कुल ही असंभव है। इन सबके बीच अभी भी आप बिजली के लिए काफी ज्यादा राशि जमा कर ही रहे हैं। इन सबके बीच अगर आपसे कोई ये कहे कि बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है तो आपका परेशान होना भी लाजमी है, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली नई बिजली दरों की औपचारिक घोषणा 25 मार्च से होने की उम्मीद है। अब ये और ज्यादा प्रबल होती जा रही है। इसको लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दर घोषित करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर ही बिजली कंपनी की तरफ से आयोग से 10% बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव भेज दिया गया है। यानी कि अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का सारा दारोमदार बिहार विद्युत विनियामक आयोग के ऊपर है, जिसके बाद ही अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग कंपनी के प्रस्ताव पर बिजली दरों में वृद्धि करती है या नहीं। आयोग की माने तो अधिकारियों के अनुसार कंपनी की तरफ से दी गई याचिका पर गहन मंथन हुआ है, आम लोगों से राय मशवरा भी हो चुका है, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन में लोगों ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव का विरोध भी किया। मंथन के दौरान सबों ने तर्क दिया था कि कंपनी अपना नुकसान कम करे तो बिजली और सस्ती भी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर कंपनी ने अपना तर्क दिया था कि बिहार के 17 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 साल से बिजली बिल जमा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण आयोग चाहकर भी लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब सवाल ये है कि बिहार में बिजली दरों को बढ़ाने पर अगर विचार विमर्श हो रहा है तो आखिर ये क्यों हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को पता है कि बिहार सरकार अब घर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है, जिससे ही अब लोग केवल उतनी ही बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे जितनी बिजली का बिल वो जमा करेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसे घर है जहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगा है। यही कारण भी है कि बिजली कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे महानुभाव हैं जो बिजली का इस्तेमाल तो भरपूर करते हैं, लेकिन बाद जब बिल जमा करने की आती है तो उसमें आनाकानी करते हैं। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी को अपना नुकसान 15% पर लाना है, पर वास्तविक स्थिति इससे ठीक उलट ही नजर आ रही है। साल 2016-17 में कंपनी का तकनीकी और व्यवसायिक नुकसान 37.91% था, जो कि साल 2017-18 में घटकर 31.06% और 2018-19 में कम होकर 28.96% हो गया। साल 2019-20 में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी तो नुकसान फिर से बढ़ने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में कंपनी का नुकसान 35.12% पहुंच गया। साल 2020-21 में यह नुकसान 32.16% तक आ गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह नुकसान 30% के अधिक होने का अनुमान है। यानी कि आयोग ने जो कंपनी को लक्ष्य दिया है उससे दोगुना नुकसान अब भी हो रहा है। अब इस दृष्टि से देखें तो कंपनी की तरफ से बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नामंजूर होना तय है, लेकिन अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि वो कंपनी के प्रस्ताव को मानकर बिजली दरों में वृद्धि करे या उपभोक्ता हित में कंपनी के प्रस्ताव को खारिज कर दे। ये आयोग के फैसले पर भी निर्भर करेगा। उम्मीद है कि अब नई बिजली दरों की घोषणा 25 मार्च तक हो सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।